सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो लंबे इंतज़ार के बाद, जो कि बच्चे वेट कर रहे थे ग्रुप सी का सीईटी देने के बाद, तो लगातार जो है यही आ रहा था कि भाई निकलेंगे, लेकिन जो अब विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा है इसके बारे में कि कौन आवेदन कर सकता है, क्योंकि लंबे समय से जो है यूआई इस चीज़ के बारे में इसका विरोध कर रहे थे सभी की भाई सभी सीईटी पास उम्मीदवारों को बुलाया जाए। लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने स्पष्ट कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ही इसके लिए बुलाया जाएगा, जो सीईटी पास है सभी कैंडिडेट्स को नहीं बुलाया जाएगा। और बात भी सही है, अगर सीईटी मुख्यमंत्री की बात को सही नहीं बता रहे हैं हम, कहीं आप दूसरी वे में ले जाओ, हम बात कह रहे हैं सीईटी पास कैंडिडेट्स की, क्योंकि सीईटी पास एक तरह से एसटेट होना चाहिए। जैसे एसटेट में जो भी पास कैंडिडेट्स होता है सभी को अधिकार होता है अपनी अपनी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है उसके बेस पर भर्ती की जाती है। इसी तरह सीईटी को भी क्वालिफाइड नेचर का माना जाना चाहिए और सभी को इस चीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का अधिकार होना चाहिए। वो यहाँ पर जो है स्पष्ट कर दिया है। दैनिक सवेरा में भी उनकी यह मांग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सामने रखी गई, तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साफ कर दिया कि 4 गुना को ही स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाए जाने का प्रावधान है और सरकार इससे पीछे नहीं हटेगी। मगर अब भी जो है सामाजिक कार्यकर्ता इस बात पर अड़े हुए हैं कि सीईटी को क्वालिफाइड नेचर का बनाया जाना चाहिए और उसको जो है सभी को मौका मिलना चाहिए भर्ती के लिए, क्योंकि इतने टाइम पीरियड के बाद भर्ती निकली है और उसमें भी कुछ ही कैंडिडेट्स को मौका मिल रहा है। तो ये उनके साथ जिन्होंने सीईटी को क्वालिफाई किया और फिर उसका बेनिफिट क्या हुआ, उनको कोई बेनिफिट तो उसका मिला ही नहीं। या तो पहले ही ऐसी मेरिट लिस्ट तैयार की जाए कि उन्हीं को क्वालिफाई दिखाया जाए जिनको जो कि अप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो सरकार की जो ये मंशा है ये सभी की समझ से बाहर है, क्योंकि सीईटी को क्वालिफाई दिखाया जा रहा है और अप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर रहे हैं, तो उसको क्वालिफाई कहने का कैसे आप ये कह सकते हो कि इसका सीईटी क्वालिफाई है। सो आपकी जो राय है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बात पर अड़े ही हुए हैं, अभी तक इस बात को नहीं माना गया है। तो सिर्फ और सिर्फ यही उम्मीद लगाई जा रही है सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को ये फॉर्म फिल कर पाएंगे, यानी कि फॉर्म तो सब फिल कर पाएंगे लेकिन जो बुलाया उन्हीं कैंडिडेट्स को जाएगा जो कि मेरिट लिस्ट पर होंगे। अब आप बताइए कि आप इसके समर्थन में हैं या नहीं है, जो आपकी राय है वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो भी आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूले। थैंक यू।